आओ भिन्न को पहचाने, इसमें हम भिन्न के बारे में समझेंगे। देखिए ये एक आकृति बना रखी है, यह आकृति वृत्त की है और यह आयत है, वृत्त आकृति है। इसको हम कहेंगे एक इकाई और इसको हम एक बटा एक भी लिख सकते हैं। देखिए अगली, इसी आकृति के दो बराबर भाग कर दिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमने इसके दो बराबर भाग कर दिए, तो एक भाग को हम बोलेंगे एक बटा दो, यानी जो इकाई थी उसका आधा भाग। अगला जो है इसी में हमने क्या करा, जो वृत्त था और जो आयत है दोनों ही आकृतियों के तीन बराबर भाग कर दिए, तो इस एक भाग को हम बोलेंगे एक बटा तीन, यानी इकाई का तीसरा भाग। ऐसी कोई सी भी आकृतियाँ हो सकती है। इसी तरीके से आगे देखिए, यह वृत्त दे रखा है और यह आयत दे रखा है, तो वृत्त के भी हमने चार बराबर भाग कर दिए और आयत के भी हमने चार बराबर भाग कर दिए। इसी तरीके से और भी कोई आकृतियाँ हो सकती है, इसको हम एक भाग को कहेंगे एक बटा चार, यानी इकाई का चौथा हिस्सा। अगला देखिए, जो इकाई हमने पहले ली थी उसके हमने पाँच बराबर भाग कर दिए, तो इस भिन्न को कहेंगे एक बटा पाँच, ये पाँच भाग हो गए इसके, और इसे हम एक बटा पाँच कहेंगे, यानी इकाई का पाँचवा हिस्सा या पाँचवा भाग। अगला देखिए, जैसे आयत के हमने छः भाग किए थे और इसी वृत्त के हमने आठ भाग किए, तो वृत्त वाला हो गया एक बटा आठ भाग। और इसी तरीके से और भी अन्य आकृतियाँ हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पर बता रखा है, तो इस तरीके से हमने भिन्न को समझा है।